यार कितनी सुंदर लड़की है, कैसे बात कर सकता हूँ इससे। अच्छा तो यहाँ एक्सरसाइज करने आती है ये। हाय, माय नेम शिव। मैंने आपको कल भी देखा था यहाँ पे एक्सरसाइज पे आते हुए। आप यहाँ पे रोज आते हैं? वो मैं सोसाइटी में नया हूँ ना। हाय, आई एम अक्षता। कभी कभी यहाँ पर आ जाती हूँ तो टाइम लगता है, अदरवाइज ऑफिस का स्केड्यूल इतना बिजी रहता है तो टाइम नहीं लग पाता। ओह नाइस, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। ओके बाय। भाई लड़की को चक्कर मत पड़ो, करियर पे ध्यान दे यार। अरे करियर अच्छा रहा तो यार ऐसी लड़की अपने आप आ जाएंगी। अबे यार तो फिर से ज्ञान देने लग गया, घर चल। क्या घर चल, समझता नहीं है। तुझे बताता हूँ घर चल। यार वो बंदी कितनी मस्त थी ना, उसको किसी तरह से पटा लूं तो लाइफ सेट हो जाए। भाई तुझे कितनी बार कहा कि लड़कियों के चक्कर में मत पड़, एक बार जॉब और करियर सेट हो जाना, फिर करते रहना ये सब। अबे यार तूने खुद तो कभी लाइफ में फन किया नहीं, जब देखो मुझे ज्ञान पेलता रहता है। चिल कर, तेरी भी सेटिंग करवा दूंगा उसकी किसी फ्रेंड से। अरे ना ना यार, मुझे नहीं करवानी किसी से सेटिंग मेटिंग, बस एक बार लाइफ में कुछ बन जाऊँ, जॉब करियर सेट हो जाना, फिर बहुत सही लड़की आएंगी। यार मैं सोच रहा हूँ ना उसको जल्दी से प्रपोज कर दूँ, नहीं तो पहले कोई और ना उसे कोई पटा ले। अक्षिता, लगता ऑफिस का कार्ड होगा। शिव। हाय अक्षिता, तुम यहाँ? हाँ एक्चुअली कल जब तुम एक्सेस करने के बाद तुम्हारा कार्ड वहीं पर रह गया था, मैंने सोचा इम्पोर्टेंट होगा तो मैं तुम्हें देने आ गया। कॉन्टैक्ट था नहीं वरना कॉल करके ही पूछ लेता। ओह थैंक गॉड ये तुम्हें मिल गया, मैं पता कल से ढूंढ रही थी और ऑफिस में नए आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ा मुझे इसकी वजह से, बट आई एम रियली ग्लैड तुम्हें मिल गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वैंक यू से कुछ नहीं होगा, पार्टी देनी होगी, इतनी दूर से आए तुम्हें कार्ड देने। ठीक है ले लेना। तुम्हारा फोन नंबर? तुम अपना नंबर दो। 9888-94-19-6819। मिस कॉल दे दिए, नंबर सेव कर देना। लेट्स गो। ये सही बंदा है, आया मेरे साथ था और लड़की के मिलते भाई को भूल गया।
और भाई क्या चल रहा है? होगी प्यार की शुरुआत? बस यार कल ही तो नंबर मिला है उसका, बड़ा ना सही फील हो रहा है। क्या ही बताऊँ यार, साला प्यार भी ना ऐसी चीज़ है ना, किसी को भी पागल बना दे। वो सब तो ठीक है यार, पर अपना खर्च और परिवार का खर्च प्यार से नहीं चलता, पैसे कमाने पड़ते हैं उसके। अब प्लीज़ यार तू ना अब ज्ञान मत देने शुरू हो जाना। एक तो मैं वैसे बड़े अच्छे मूड में हूँ, इतना अच्छा मूड है ना, मूड मत खराब कर। देता हूं हेलो। हाँ तुम आ रही हो ना, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही वेट कर रहा हूँ। हाय। ये इतने सारे बैग्स किसके लिए? तुम्हारे लिए। अक्षिता आई लव यू। यार मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम्हें बता दूँ, फाइनली गट्स करके आज तुम्हें बोल पाया हूँ। यार मैं सोते उठते जागते बस तुम्हारी ख्याल आ रहे हैं, कहीं और ध्यान नहीं लग रहा। यार तुम प्लीज खड़े हो जाओ। और यार मैंने अभी तक इतना सोचा नहीं, सॉरी टू से शिव बट इट्स टू अर्ली फॉर मी। अभी मैं अपने करियर पर फोकस कर रही हूँ, तुम मेरे लिए बस एक दोस्त हो यार। तो क्या दोस्त एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? शिव बात वो नहीं है यार, एक्चुअली मेरी लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। इसके अलावा प्लीज़ और मत सोचना, आई नो यू आर अ सेंसिबल गाय एंड यू विल अंडरस्टैंड टू। और हो सके तो तुम्हें भी अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। और ये बात तो तुम मुझे फ़ोन पे भी बता सकते थे ना। अब प्लीज़ घर जाओ, आई एम रियली सॉरी। यार उसने मना कर दिया और बोल रही है कि मैंने फ्रेंड्स से आगे कुछ सोचा नहीं। और भाई तुझे बोला था कि करियर पे ध्यान दे, क्या रखा है लड़कियों के चक्कर में। चल जब हुआ सो हुआ, अच्छी मोटिवेशन मिलेगी तुझे लाइफ में आगे फोकस होने के। नहीं यार उसको मेरी फीलिंग्स समझनी चाहिए थी, एटलीस्ट ये बोल देती कि मेरी फीलिंग्स है बट मैं अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। शी सेड कि मैंने फ्रेंड्स से आगे कुछ सोचा नहीं, ये क्या बात हुई? दिन रात यार हमारी बात हो रही है, सामने से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इज इट नॉर्मल फॉर हर किसी लड़के के साथ दिन भर टेक्सटिंग करते रहना? आई एम इन लव विद हर यार। बस कर शिव, तो 15 साल का बच्चा नहीं है जो ब्रेकअप पर रो रहा है। बहुत सी लड़कियां पहली बार में नहीं हाँ करती, देख अगर तू उससे सच्चा प्यार करता है ना तो एक और बार ट्राई कर ले। बात तो सही कह रहा गोलू, उसका बर्थडे भी आने वाला है, उसको ना अच्छा सरप्राइज है कि माफी भी मांग लूंगा और आगे की नई शुरुआत भी कर दूंगा। Excuse me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rakshita.